आज हम इस पेम यानी आई रिफ्यूजल टू माउंट द डेथ बाई फायर ऑफ अ चाइल्ड इन लंदन इसकी जो पार्ट टू है वो करेंगे। तो शुरू करते हैं द मेजिस्टी एंड बर्निंग ऑफ द चाइल्ड डेथ। आई शेल नॉट मर्डर द मैन काइंड ऑफ हर गोइंग विद अ ग्रेव ट्रूथ नॉट ब्लस बीम डाउन स्टेशंस ऑफ द ब्रीथ विद एनी फर्दर एलिजी ऑफ इनोसेंस इन यूथ। सो द मेजिस्टी एंड बर्निंग ऑफ अ चाइल्ड डेथ, यानी शायर यहाँ पे कहता है कि इस बच्ची की जो मौत थी वो बहुत शान शौकत की थी। मेजिस्टी, मेजिस्टी मीन्स शान शौकत, मेजिस्टिक। यहाँ पे शायर ने मेजिस्टिक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है और इसका जो माना है वो है शान शौकत। आई शेल नॉट मर्डर द मैन काइंड ऑफ आर गोइंग विद अ ग्रेव ट्रूथ। और शायर जो है ना ये यानी पोइट्री यहाँ पे कहता है कि अगर उनको ये मौका दिया गया कि वो कुछ मेमोरियल स्पीच करे तो फिर लोगों की जो सोच है कि उन बच्ची को जो है ना मरवाया गया था तो फिर वो उनकी सोच को जो है ना बदल देगा, यानी उनकी सोच जो है ना वो ख़त्म कर देगा। आई शेल नॉट मर्डर यानी उस बच्ची को मरवाया नहीं गया था। द मैन काइंड ऑफ हर गेम विद ग्रेविटी means memorial speech nor blaspheme the stations of the breath with any further elegy of innocence and youth। यानी चाइल्ड पर मातम करना जो है ना ये क्या है कि हमारे अकीदे के खिलाफ है, हमारे अकीदे की मजाक उड़ाना है। blaspheme means मजाक उड़ाना। stations of the breath means the stages of the mourning with any further elegy of innocence and youth। यानी यहाँ पर कहता है कि यानी जो भी शख्स जो है ना किसी बच्चे की मौत पर एलिजी लिखे तो वो भी मजाक उड़ाना है। यानी एलिजी तो सैड पोइम होती है, तो एलिजी सैड पोइम होती है, इनोसेंस एंड यूथ यानी किसी बच्चे की मौत पर एलिजी लिखना भी, और जो है ना ये भी अपने अकीदे का मजाक उड़ाना है। अब दूसरी स्टेंजे की तरफ आते हैं। तो दूसरा स्टेंजा है कि डीप विद द डेड लाइज लंडन्स डॉटर। ये इस पोएम की चौथी स्टेंजा है, यानी फोर्थ नंबर का स्टेंजा है, और हम जो आज कर रहे हैं इसकी दूसरा है कि जो पार्ट वन की जो डिस्क्रिप्शन है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। Deep with the dead lies London daughter, robed in the long friends, the grains beyond age, the dark veins of her mother, secreted by the unmourning water of the riding Thames, after the first dead dear is no other. So start karte hain. Deep with the dead lies London's daughter. Yani is aakhir stanza mein poet jo hai ye is bachche ko kya kehti hai, London's daughter kehti hai, London's daughter। यानी ये बच्ची अब उन लोगों के साथ दफन होगी जो कि इनसे पहले मरे थे इस वर्ल्ड वार की वजह से, इस वर्ल्ड वार टू की वजह से जो लोग मरे थे, अब ये लड़की उनके साथ दफन होगी। लाइज में रहना यानी दफन होना। लंदन विद द फर्स्ट डेड, सॉरी विद द फर्स्ट डेड मीन्स जो उनसे पहले मरे थे। फर्स्ट डेड मीन उनसे पहले मरे थे। रोब इन द लॉन्ग फ्रेंड्स यानी इस बच्ची को जामा पहनाया गया, यानी जो लोग इससे पहले मर गए थे तो वो लोग जो है ना उसके सराउंडेड होंगे, तो उन लोगों से ये रोब होगी। रोब मीन जामा पहनाना, जब ये वही लोग उनके सराउंडेड होंगे तो ऐसे लगेगी जैसा कि ये उनकी उनको जामा पहनाया गया है। यानी ये लड़की अब उनकी ये बच्ची जो है ना अब उनकी बीच में होगी। द ग्रेन्स बियॉन्ड एज द डार्क वेंस ऑफ हर मदर, इसका मतलब यह है कि मिट्टी जो कि एजलेस होती है और हम सब इसको जाएंगे और इस मिट्टी में मिक्स हो जाएंगे। तो द डार्क वेंस ऑफ हर मदर यहाँ पे जो है ना ये लैंड की तरफ इशारा है, यानी लंदन पोइट जो है ना इसका मतलब क्या ले रहा है, लंदन ले रहा है। मदर मीन्स लैंड, सीक्रेट बाय द अनमाउंटिंग वाटर, कि जो बच्चा है वो इस दरिया को जो कि अनमाउंटिंग है इसमें पोशीदा है। सीक्रेट मीन पोशीदा, अनमाउंटिंग वाटर यानी उस पानी में जो कि अनमाउंटिंग है। अब द राइडिंग टेम्स दरिया को कहा जाता है। राइडिंग मीन्स बहने वाले, मुसलसल बहने वाले दरिया। आफ्टर द फर्स्ट डे देयर इज नो अदर,
लेकिन पहली मौत के बाद दूसरी मौत नहीं होती. आफ्टर द फर्स्ट डेथ, पहली मौत के बाद देयर इज़ नो अदर, यानी दूसरी मौत नहीं होती. तो ये थी द रिफ्यूजल टू मॉर्न द डेथ बाई फायर ऑफ चाइल्ड इन लंदन, इसकी जो लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन थी जो कि हमने आज की. अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तो बहुत शुक्रिया.